नमस्कार, वीकेवी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत द्वारा 15 साल में अखंड भारत बनाने की बात पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं, 15 दिन का वादा कीजिए। तो मुंबई में कोरोना के 73 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के इस उछाल को विश्व के चौथी लहर की आहट मान रहे हैं। वहीं CBI ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के 5 मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस से अपने हाथों में ले ली है। उधर अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज 7 फेरे लेंगे। इसी बीच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रयासों से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर लिखी गई किताबें और अन्य भाषाओं में उन पर हुए विभिन्न शोध अब एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध है। प्रदेश की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत द्वारा 15 साल में अखंड भारत बनाने की बात पर अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं, 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है, ये पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। दुनिया भारत के आगे नतमस्तक होगी। वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे का भी यही सपना था। तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। राउत ने आगे कहा कि अखंड भारत बनाने के लिए सबसे पहले POK को भारत से जोड़िए, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उसे भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। संजय राउत ने कल भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, ये शिवसेना के रगों में बहता है। जब जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है तो उस वक्त भाजपा सामने नहीं थी, हम थे, बाला साहेब ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे थे। मुंबई से कोरोना के 73 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा 17 मार्च के बाद एक दिन का सर्वाधिक है। आंकड़ों में इस उछाल को विशेषज्ञ चौथी लहर की आहट मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी चिंता की बात नहीं है, पर सावधान होने की जरूरत है। संक्रमण में आ रही तेजी के पीछे लोगों की लापरवाही है। मुंबई के कई डॉक्टर्स ने बताया कि उनके यहाँ पिछले दिनों OPD में कोविड से जुड़े मरीज बढ़े हैं। हालांकि इनमें से कुछ को ही भर्ती करने की जरूरत पड़ी, वो भी इसीलिए कि उन्हें दूसरी गंभीर बीमारी थी। उन्होंने अंदेशा जताया कि इस इजाफे के पीछे एक वजह स्कूलों का फिर से खुलना भी हो सकता है। दूसरा ये भी कि लोग कोविड से जुड़ी सावधानियों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूरे देश में 31 मार्च को महामारी एक्ट को निष्प्रभावी कर दिया गया था, जिसके बाद कोविड प्रोटोकॉल संबंधी सभी पाबंदियां खत्म हो गई थी। मास्क लगाने को लेकर किसी तरह की सख्ती नहीं बरती जा रही है, केवल लोगों से मास्क का प्रयोग करने के लिए अपील की जा रही है। सख्ती खत्म होने के चलते लोगों ने भी कोविड से बचाव के सभी नियमों को अनदेखा करना शुरू कर दिया है। स्कूलों में भी बच्चे और टीचर्स तक बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। बाजारों में दुकानदारों के चेहरों से मास्क पूरी तरह से नदारद है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के 5 मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस से अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि ठाणे और मुंबई में दर्ज सभी 5 FIR अब CBI ने अपने नियमावली के अनुसार अपने मामलों के रूप में फिर से दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को परमवीर सिंह के खिलाफ दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अलग अलग मामलों की जांच CBI को ट्रांसफर कर दी थी। जस्टिस SK कॉल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने कहा था कि राज्य पुलिस में लोगों का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए मामलों की गहन जांच की जरूरत है। बेंच ने कहा था कि न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए जांच CBI को ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपील करता एक व्हिसल ब्लोअर है या इस मामले में संलिप्त कोई भी व्यक्ति दूध का धुला है। बेंच ने परमवीर सिंह का निलंबन रद्द करने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि भविष्य की सभी FIR भी CBI को ट्रांसफर की जाएगी। सिंह जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और कदाचार के कई मामलों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंह की एक याचिका भी खारिज कर दी थी। अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज 7 फेरे लेंगे। कल दोनों की शादी के कई फंक्शंस हुए, जिसमें आलिया की मेहंदी सेरेमनी भी थी। इसमें दोनों की फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स भी शामिल हुए थे, जिसमें महेश भट्ट, पूजा भट्ट, शाहिन भट्ट, सोनी राजदान, नीतू कपूर, रिदीमा कपूर साहनी, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, अयान मुखर्जी, करण जौहर का नाम है। कल ही रणबीर की मॉम नीतू कपूर और बहन रिदीमा कपूर ने कन्फर्म कर दिया था कि शादी यानी आज 14 अप्रैल को होने वाली है।
आज सुबह से ही शादी के अन्य फंक्शंस शुरू हो गए हैं। रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर और बहन रिधिमा कपूर साहनी सुबह सुबह ही वास्तु पहुंच गए। सुबह सुबह ही आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान और बहन शाहिन भट्ट को भी उनके जुहू स्थित घर से निकलते हुए देखा गया। कल प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के दौरान जब नीतू कपूर से आलिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आलिया बेस्ट है, बहुत ही प्यारी है, मुझे एकदम डॉल जैसी लगती है, भगवान दोनों को साथ में खुश रखे। रणबीर की बहन रिधिमा कपूर साहनी ने भी आलिया के लिए कहा कि वो उन्हें बहुत क्यूट और स्वीट लगती है। इसी बीच मेहंदी सेरेमनी के रिहर्सल की फोटो भी आ गई है जिसमें नीतू कपूर, करिश्मा कपूर, रीमा जैन, अनीशा जैन और तांशु नंदा नजर आ रहे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर लिखी गई किताबें और अन्य भाषाओं में उन पर हुए विभिन्न शोध अब एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध है। यह पहल यह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने की है। डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती पर विश्वविद्यालय के नॉलेज रिसोर्स सेंटर के निदेशक डॉक्टर धर्मराज वीर ने बताया कि उन्हें बाबा साहेब पर लिखा गया सभी साहित्य एक मंच विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लाने का विचार 2019 में आया। इसके बाद डॉक्टर वीर ने विश्वविद्यालय के सूचना वैज्ञानिक डॉक्टर गजानन खिश्ते के साथ मिलकर संविधान निर्माता पर लिखे गए साहित्य लेख आदि की तलाश की। डॉक्टर वीर ने बताया कि ये सब अब एक बटन दबाते ही सामने है। हमने अब तक 22 पुस्तकें, 3 ऑडियो पुस्तकें तथा अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा में मौजूद 117 शोध थीसिस और भारत तथा विदेशों में डॉक्टर आम्बेडकर पर लिखी गई 21 अन्य थीसिस अपलोड की है। हमने डॉक्टर आम्बेडकर के सभी 17 लेखों और भाषणों को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आम्बेडकर पर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में बने अनेक नाटक और फिल्में भी मौजूद हैं। डॉक्टर वीर ने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के बावजूद हम डॉक्टर आम्बेडकर पर हुए अब तक के सभी कामों को ऑनलाइन मंच पर एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद साहित्य को सभी लोग पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। तो कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दों ने 55 साल के राजपूत समुदाय के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आंध्र प्रदेश के अकीरेड्डी गुडेम में हुए एक बड़े हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन एवं योगदान पर आधारित प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज उद्घाटन किया है। इसी बीच महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। यहां बनारस में कुछ लोगों ने अजान के वक्त लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। भागवत ने कहा कि वैसे तो संतों और ज्योतिष के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा ही। यदि हम सब मिलकर इस कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। आरएसएस प्रमुख हरिद्वार स्थित कनखल के संन्यास रोड में श्री कृष्ण निवास एवं पूर्णानंद आश्रम में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी दिव्यानंद गिरी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और श्री गुरुत्रय मंदिर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके रास्ते में जो आएंगे वह मिट जाएंगे। हम अहिंसा की ही बात करेंगे पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता भाव नहीं है। भागवत ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है। यदि वह विरोध न करते तो हिंदू जागता नहीं। हिंदू के अंदर भाव जगाने का काम उन्होंने किया है, इसलिए उनका सहयोग महत्वपूर्ण ही कहा जाएगा। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी गिरिधर, स्वामी विशोकानंद भारती, स्वामी विवेकानंद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद आदि मौजूद रहे। कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक नागरिक को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 55 साल के राजपूत समुदाय के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। सतीश के घर के पास तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने गोलीबारी की आवाज सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो सतीश को खून से लथपथ पाया। सतीश को तुरंत श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले 11 दिनों में प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के हमले की यह 6वीं घटना है। घाटी में एक के बाद एक टारगेट किलिंग और हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने की धमकी से लोगों में दहशत है। पुलिस ने पीड़ित की पहचान सतीश कुमार सिंह के रूप में की है। वह कुलगाम के काकरन इलाके के निवासी है।
मृतक सतीश के घरवाले मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीसी जब तक नहीं आएंगे और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलेगा या फिर उन्हें जम्मू जाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं कराई जाएगी, तब तक वे किसी से बात नहीं करेंगे। इस बीच बारामुल्ला के कश्मीरी कॉलोनी में धमकी भरा लेटर भेजा गया है। यह पत्र लश्कर इस्लाम नाम के संगठन ने भेजा है, जिसमें हिंदुओं को घाटी छोड़ने की धमकी दी गई है। हालांकि कश्मीर के स्थानीय लोग उनके समर्थन में आए हैं और हिंदू परिवारों को घाटी न छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अक्की रेड्डी गुडेम में हुए एक बड़े हादसे में बिहार के 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा गुरुवार को हुआ। फैक्ट्री में तेजाब की रिसाव के चलते आग लग गई और फिर यह जोर का धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में नाइट्रिक एसिड और मोनोविथाइल के रिसाव के कारण आग लगी, इसी के चलते यह ब्लास्ट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि इसमें एक दर्जन से ज्यादा मजदूर झुलस गए। इनमें से 6 मजदूरों की मौत हो गई। मारे गए 6 में से 4 मजदूर बिहार के रहने वाले थे। जिन मजदूरों की मौत हुई है उनकी शिनाख्त कर ली गई है। हादसे में मारे गए बिहार के सभी 4 मजदूर सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के रहने वाले हैं। मारे गए मजदूरों के नाम सुभाष रविदास, मनोज कुमार, अवधेश रविदास और कारू रविदास है। बिहार का ही एक मजदूर इस हादसे में घायल भी हुआ है। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख और हल्की चोट वाले घायलों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रन ने केमिकल फैक्ट्री में अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन एवं योगदान पर आधारित प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज उद्घाटन किया। मोदी करीब 11 बजे 3 मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक एवं संग्रहालय पहुंचे, जहां केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बाद में संग्रहालय का भ्रमण किया और इसके बाद शिलापट्ट का अनावरण करके संग्रहालय का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने पहला टिकट भी खरीदा। ये शुभारंभ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किया गया। पहले इसे नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान शुरू हुए इस संग्रहालय में स्वतंत्रता के पश्चात सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन किया गया है। संग्रहालय के भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है। यहां लोगों को अपनी पसंद के पूर्व या मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल तकनीक से तस्वीर खींचाने की सुविधा होगी। ये संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण तक की गाथा को भी सुनाता है। ये भी बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद देश को नई राह दी और देश की सर्वांगीण प्रगति को सुनिश्चित किया। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। यहां बनारस में कुछ लोगों ने अजान के वक्त लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से ये मुहिम शुरू की गई है। संगठन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर से ही इसकी शुरुआत की और छत पर कई लाउडस्पीकर लगा दिए। बनारस के साकेत नगर इलाके में रहने वाले सुधीर सिंह कुछ साथियों के साथ छत पर खड़े होकर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मकसद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सुबह लाउडस्पीकर पर अजान से लोगों की नींद में खलल पड़ती है और ये एहसास दिलाने के लिए ये किया जा रहा है। सुधीर सिंह ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, लेकिन अकेले हमने ही इसका ठेका नहीं लिया है। पहले हम लोग सोकर उठते थे तो उस समय मानस मंदिर और अन्य मंदिरों पर वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ होता था, लेकिन इतना दबाव बनाया गया कि ये सब चीजें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमने मंदिरों से भोंपू उतार दिए, लेकिन इनके मस्जिदों पर भोंपू बढ़ते गए। आज स्थिति यह है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है अजान की आवाज से। हमने भी तय किया है कि जब ये लाउडस्पीकर पर अजान कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी वैदिक मंत्रों को और हनुमान चालीसों का पाठ करें। भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका भारत में मानवाधिकार की बात करता है तो अमेरिका में भारतीय समुदाय के मानवाधिकारों की बात पर हम भी चुप नहीं रहेंगे। वहीं यूक्रेन के बाद अब उत्तरी यूरोप में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक से सटे इस इलाके में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास मिसाइलें और अन्य घातक जंगी हथियार तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, पुतिन ने नाटो देशों को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लोग यूक्रेन की मदद करते हो तो तबाह कर देंगे। तो पाक के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने पेशावर में एक बड़ी जनसभा में अपनी भड़ास निकाली है। उधर बात पर्यावरण की करें तो सूरज के पैर बैंगनी किरणों से बचाने वाली सनस्क्रीन अब समुद्री जीवन के लिए खतरा बन रही है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।
भारत के बारे में राय रखने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन यह ध्यान होना चाहिए कि भारत को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अमेरिका में मानवाधिकार के मामलों पर हमारी भी नज़र है और खासतौर पर भारतीय समुदायों के हितों को लेकर हम चिंतित हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से मानवाधिकार पर ज्ञान दिए जाने के बाद भारत ने यह तीखी टिप्पणी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया। यह पहला मौका था जब भारत को अक्सर नसीहत देने वाले अमेरिका को इस तरह से जवाब में फजीहत झेलनी पड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि खासतौर पर जब भारतीय समुदाय के अमेरिका में मानवाधिकारों की बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। जैसे कल ही एक घटना हुई है, बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सिख समुदाय के 2 लोगों पर अटैक हुआ था। बीते 10 दिनों में यह दूसरी घटना थी। इससे पहले एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर हमला हुआ था। जयशंकर ने उदाहरण के साथ ही अमेरिका को करारा जवाब दिया है। अमेरिका को भारत से यह कड़ा रिएक्शन ऐसे वक्त में मिला है जब वह लगातार यूक्रेन मसले पर साथ देने की मांग कर रहा था। हथियार और तेल की खरीद पर भी अमेरिका एवं यूरोपीय देशों को एस जयशंकर खरी खरी सुना चुके हैं। आमतौर पर कम बोलने वाले जयशंकर के इस अवतार को देखकर सोशल मीडिया पर लोग अचंभित और खुश है। यूक्रेन के बाद अब उत्तरी यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक से सटे इस इलाके में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास मिसाइलें और अन्य घातक जंगी हथियार तैनात कर दिए हैं। दरअसल दशकों तक तटस्थ रहने वाले फिनलैंड और स्वीडन ने खुलकर संकेत दे दिया है कि वे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने जा रहे हैं। इससे रूस भड़क गया है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद करीब है। फिनलैंड की तो सीमा भी रूस से मिलती है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फिनलैंड को डर सता रहा है कि उसका वही हश्र हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो स्वीडन और फिनलैंड नाटो के लिए बड़ी ताकत साबित होंगे। दोनों देश नाटो के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। फिनलैंड के पास अन्य ताकतों के अलावा यूरोप में सबसे बड़ा तोपखाना फोर्स है। अगर ये दोनों देश शामिल होते हैं तो नाटो के लिए उत्तरी मोर्चे और बाल्टिक सागर में रक्षा करना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि रूस भी फिनलैंड और स्वीडन के दाव से सहमा हुआ है। वह जानता है कि फिनलैंड से बेहद पास में ही रूस की आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग है। इस शहर में रूस के अरबपति रहते हैं। जंग की सूरत में फिनलैंड रूस के इस शहर को तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन के बीच 50वें दिन भी जंग जारी है। कई देशों के हस्तक्षेप के बावजूद रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों की कमान ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के दोनेत्सक और खेरसॉन क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका जेलेंस्की से मिलने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को क्यू भेजने पर विचार कर रहा है। इस पर पुतिन ने नाटो देशों को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लोग यूक्रेन की मदद करते हो तो तबाह कर देंगे, तुम्हारे वाहनों और हथियारों को नष्ट कर देंगे। बावजूद इसके रूस के 4 पड़ोसी देश पोलैंड, लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचे हैं। सभी ने यहां की ताजा स्थिति का जायजा लिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को समर्थन देने का ऐलान किया। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन ने यह दावा किया है कि मारियोपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी नौसैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि ये सभी सैनिक रूसी सैनिक के सामने टिक नहीं पा रहे थे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से कई गरीब देशों में तबाही की आशंका है। यह तबाही आर्थिक संकट से लेकर खाद्य और ऊर्जा संकट उत्पन्न कर सकती है। इसे जल्द से जल्द रोकना होगा, अन्यथा दुनिया भारी तबाही को देखेगी। बड़े नाटकीय ढंग से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता से विदाई हुई। जब नेशनल असेंबली में उन्हें अविश्वास मत पर हार का सामना करना पड़ा और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इमरान खान ने पेशावर में एक बड़ी जनसभा में अपनी भड़ास निकाली। इमरान खान ने अदालतों के आधी रात में खुलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि रात को अदालतें खुल गई क्यों, क्या मैंने कोई कानून तोड़ा था? उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए जीऊंगा और मरूंगा। इस दौरान इमरान ने चेतावनी दी और कहा कि सरकार में रहते हुए वह उतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन अब सत्ता से बाहर होने के बाद वह विपक्ष के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। रविवार को इमरान समर्थकों ने देश भर में रैली की और विपक्ष व सेना के खिलाफ नारेबाजी की। खान ने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर बार जब एक प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर होता है तो लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन जब उन्हें बाहर किया तो लोगों ने प्रदर्शन किया और रैलियां निकाली। हम एक आयातित सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे और लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि वे क्या चाहते हैं। अमेरिका ने इन डाकुओं को हम पर थोपकर पाकिस्तान का अपमान किया है। शहबाज शरीफ 40 अरब रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो अमेरिकी साजिश के बाद सत्ता से बाहर हुए थे, लेकिन यह 1970 का पाकिस्तान नहीं है।
यह नया पाकिस्तान है, मेरे सत्ता से बाहर जाने के सबसे ज्यादा जश्न भारत और इजराइल ने बनाया। सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली सनस्क्रीन अब समुद्री जीवन के लिए खतरा बन रही है। एक अध्ययन में पाया गया है कि सनस्क्रीन लोशन में पाए जाने वाले केमिकल भूमध्य सागर की समुद्री घास पर जमा हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पोसिडोनिया ओशनिका के तनों पर पराबैंगनी फिल्टर्स की खोज की है। पोसिडोनिया ओशनिका समुद्री घास की एक प्रजाति है जो मलोर्का के तट पर पाई जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पर्यटन स्थलों पर होने वाली मौज मस्ती और कचरे का फैलना है। चूंकि भूमध्य सागर छोटा और बहुत घिरा हुआ है, इसलिए पराबैंगनी केमिकल का स्तर बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों को सैंपल में सनस्क्रीन तत्वों की अलग अलग मात्रा मिली, जिसमें ऑक्सीबेंजीन, एवोबेंजीन, 4-मिथाइल, बेंजालिडिन कैम्फर, बेंजोफेनिन 4 और मिथाइल पेराबिस शामिल है। ये केमिकल समुद्री घास पर क्या असर डालते हैं, फिलहाल इस सवाल का जवाब अज्ञात है, लेकिन शोधकर्ता संभावित हानिकारक प्रभावों को लेकर चिंतित है। समुद्री घास के मैदान कई समुद्री प्रजातियों का घर है और कार्बन भंडार के रूप में काम करते हैं। पोसिडोनिया ओशनिका तटीय भूमध्य सागर में एक बड़ा घास का मैदान बनाती है और एक स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।